वरती नको डोळे. मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला मनापासून शुभेच्छा देतो. मनापासून ही होळी धुळवड सुखाची समृद्धीची आणि विविध रंगांनी न्हाऊन जाणारी खरं म्हणजे आज आणि या होळीमध्ये वाईट प्रवृत्ती संकट अरिष्ट सगळी जळून खाक हो. या राज्यातल्या जनतेला चांगले दिवस सुखाचे समाधानाचे येऊ दे. या बळीराजाच्या वरती सगळी संकट दूर होऊ दे. आणि या राज्यातला प्रत्येक घटक शेतकरी असेल कष्टकरी कामगार माता भगिनी तरुण ज्येष्ठ सर्व समाजातले घटक या सगळ्यांना या होळीनिमित्त मी शुभेच्छा देतो. त्यांच्या जीवनामध्ये देखील बदल घडू द्या. त्यांचं जीवन सुखाचं समाधानाचं होऊ द्या. त्याच प्रकारचं राज्य सरकारचं काम सुरू आहे. राज्य सरकार अनेक निर्णय या सर्वसामान्यांच्या गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये घेतलेले आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकार देखील आदरणीय मोदी साहेबांनी देखील या देशासाठी 10 वर्षात न भूतो न भविष्यत असं काम केलंय. आणि म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून या राज्याचा देखील चांगला विकास आम्ही करतोय डबल इंजिनच्या सरकारच्या माध्यमातून. आणि म्हणूनच मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि ही होळी अतिशय पर्यावरणपूरक नैसर्गिक रंगांची उजळण करा. केमिकलचा वापर न करता या ठिकाणी नैसर्गिक रंगांचा वापर करून विविध रंगांची उजळण जशी आपण होळीत करतो धुळवडीत करतो तशीच आपल्या नागरिकांच्या जीवनामध्ये देखील आनंदाच्या रंगांची उजळण होऊ दे अशा मनापासून. आज राजकारण नको. आज फक्त होळी आणि आनंद साजरा करूया आपण. आज सगळे या होळीमध्ये धुळवडीमध्ये मित्रही गळा भेट करतात आणि शत्रुही गळा भेट करतात. त्यामुळे आज राजकारण विरहित होळी आपण साजरी करूया. आणि आज इस होळी के अवसर पर आज धुलिवंदन के अवसर पर महाराष्ट्र के तमाम जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. ढेर सारी बधाई देता हूँ. ये होली उत्सव जो है महाराष्ट्र में नहीं देश में बड़े धूमधाम से मनाते हैं. सभी लोग गले मिलते हैं और अनेक रंगों की बौछार होती है. और निश्चित रूप से राज्य सरकार भी यहाँ पर लोगों के लिए काम कर रही है. लोगों के जीवन में एक बदलाव हो जाए, लोगों के जीवन में सुख समाधान आनंद मिले. और इसलिए हमारे किसान हो, हमारे कामगार हो, माता बहने हो, हमारे युवा हो, हमारे सीनियर सिटीजन हो, इस समाज में सभी वर्ग के लोगों को इस होली के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन के सभी संकट समाप्त हो. ये होली में दुख संकट अरिष्ट सभी अनिष्ट प्रथा जलकर खाक हो और नया एक अच्छा माहौल इस महाराष्ट्र में पैदा हो. ऐसे शुभकामनाएं देते हुए मैं ये भी कहूंगा कि इस राज्य ने 1.5-2 साल में जो राज्य की विकास की गति बढ़ाई है, गतिमान सरकार, वेगवान निर्णय, ऐसी छवि जो है सरकार की आम जनता में, अपला सरकार, हमारी सरकार, ऐसी छवि
निर्माण करने में हम कामयाब हुए हैं और इसके पीछे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद है। वो भी हमें पूरी तरह ताकत देते हैं, पूरी तरह हमारे सरकार को सहयोग करते हैं और इसलिए डबल इंजन वाली सरकार 1.5 साल में इतनी तेजी से, बुलेट ट्रेन की तेजी से दौड़ रही है और इसलिए आज आप देख रहे हो पिछले समय से इस 1.5 साल में कितने बड़े बड़े प्रकल्प शुरू है, कितने बड़े बड़े निर्णय सरकार ने लिए हुए। हमारी एक ही कामना है, इस महाराष्ट्र की जनता सुखी समाधानी हो, आनंदित जीवन बिताए और उनके भी जीवन में ऐसे ही रंगों की बौछार हो। और सभी लोगों को मैं आह्वान भी करूंगा कि नेचुरल कलर इस्तेमाल की करने की आवश्यकता है, केमिकल कलर कोई इस्तेमाल ना करें और यही मेरी भावना है। और सभी लोगों को फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, पत्रकारों को भी विशेष रूप से इस होली के अवसर पर, धूलि वंदन के अवसर पर बहुत बहुत। आज के दिन शुभ दिन कहीं लिस्ट का भी ऐलान हो सकता है सर? वो तो होते रहेगा, हो जाएगा, लेकिन आज सिर्फ होली होली होली।